छत्तीसगढ़ जगदलपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक में थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में मिशन सिक्योर सिटी एवं सिटी सर्विलेंस सिस्टम अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर संदिग्धों की पता तलाशी की जा रही थी, जिस आधार पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को संजय बाजार क्षेत्र में पुनः देखे जाने की सूचना मिली थी, जिस पे थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में टीम गठित कर पता तलाशी के लिए रवाना किया गया। पता तलाशी के दौरान दो संदिग्धों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर व्यापारी की गाड़ी की डिक्की से रुपए पैसे चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 2,15,000 रुपए, एक चांदी का सिक्का, एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त किया गया। वहीं दोनों आरोपियों को थाना कोतवाली जगदलपुर के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां दो दिन पूर्व जगदलपुर के स्थानीय व्यापारी अशोक दुल्हानी जब वो संजय बाजार से अपने घर कुम्हारपारा के लिए जा रहे थे, तब इस दौरान दो अज्ञात चोरों के द्वारा उनकी स्कूटी में रखे हुए करीब 2,00,000 रुपए नकद और अन्य सामान को जो है उठाईगिरी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। और मामले में प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के सिटी सर्विलेंस सिस्टम और मिशन सिक्योर सिटी अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और उनके फुटेज के और फोटो के आधार पर जो है कुछ संदिग्धों की पहचान और उनकी पता तलाश की जा रही थी। और इसी आधार पर जो है जानकारी मिली कि इस मामले के जो संदेही हैं वो संजय बाजार क्षेत्र में जो है पुनः आज देखे गए हैं। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु संजय बाजार की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा संजय बाजार में दो संदिग्धों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम ए अनिल निवासी गंजाम उड़ीसा और करण नेताम निवासी महासमुंद का होना बताया गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा जो है दो दिन पूर्व जो है उक्त व्यापारी से जो है मौका देखकर महारानी अस्पताल के सामने से जो है रुपए पैसे से भरा एक बैग को जो है चोरी करना स्वीकार किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है चोरी हुए राशि में से जो है 2,15,000 रुपए नकद, इसके अलावा अपराधकारी मोटरसाइकिल, मोबाइल और अन्य जो सामान है वो बरामद कर जब्त किया गया है। और मामले में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म जो है स्वीकार कर लिया है। दोनों आरोपियों को थाना कोतवाली के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। और इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं उनकी आपराधिक रिकॉर्ड की जो जानकारी जिला महासमुंद और गंजाम से जो है लिया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। टीसीपी 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।